जबलपुर, जबलपुर कॉरपोरेशन कबड्डी एसोसिएशन जबलपुर के पदाधिकारियों एवं विभिन्न महाविद्यालयों के कबड्डी खिलाड़ियों ने विश्वविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रही अनियमितताओं के विरोध में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कुलपति को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश कबड्डी रेफरी बोर्ड संयोजक सानू यादव ने बताया कि जबलपुर कॉरपोरेशन कबड्डी एसोसिएशन जबलपुर एवं विभिन्न महाविद्यालयों के कबड्डी खिलाड़ियों ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कबड्डी खेल को लेकर चल रही विभिन्न अनियमितताओं के विरोध में ज्ञापन सौंपते हुए कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को बताया कि विगत कई वर्षों से अंतर महाविद्यालयीन कबड्डी प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की यूटीडी टीम में जबलपुर शहर के खिलाड़ियों को वंचित कर अन्य जिलों एवं राज्य के खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जा रहा है, जिस कारण जबलपुर के कबड्डी खिलाड़ी को मौका नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण खिलाड़ियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाल ही में अंतर महाविद्यालयीन कबड्डी प्रतियोगिता श्री जानकी रमण महाविद्यालय में आयोजित की गई, जिसमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की यूटीडी टीम में हरियाणा के 7 खिलाड़ी, इंदौर के 2 खिलाड़ी एवं सिवनी के 3 खिलाड़ी हैं। यूटीडी टीम के कुल 12 खिलाड़ियों में से एक भी खिलाड़ी जबलपुर का नहीं है। जिन खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ियों के दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई, जिसके सत्यापन हेतु आयोजक निर्णायक मंडल द्वारा प्रमाणित दस्तावेज मंगवाए गए हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की खास रिपोर्ट। अंतर साले महाविद्यालय जो अंतर महाविद्यालय जो कबड्डी प्रतियोगिताएं चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों का आरोप है कि बाहर के खिलाड़ी आके खेल रहे हैं, क्या ये बात सही है? जी, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है कि मैं आरडीवीवी का छात्र ही हूँ, मेरा नाम करीम फैजल है, मेरा बीए का सेकेंड ईयर आरडीवीवी यूनिवर्सिटी में चल रहा है। मैं 3 साल से इसी इंटर कॉलेज गेम में खेल रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन ना किसी विभाग में आती है कि ये जो कबड्डी का टूर्नामेंट है ये अब इंटरनली चालू होने वाले हैं, अब इनके ट्रायल होंगे, अब इनका ऐसा होगा, ये कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी डिपार्टमेंट में नहीं आती। ये यूटीडी के जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर बाहर के बच्चे बुला बुला के उनको खिला रहे हैं, और जो यूटीडी में जो आरडीबी में यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जबलपुर का कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है। ये जो जानकारी जो मिलना चाहिए बच्चों को वो मिल ही नहीं रही है, और ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये हरियाणा तरफी के, कहीं और के, महाराष्ट्र के, यहाँ के, वहाँ के, यहाँ वहाँ के बच्चे आके एक महीने या 2-3 दिन पहले आके रसीद इंटर कॉलेज की रसीद कटवा के ये खेल रहे हैं, और जो बच्चे 2-3 साल से वहाँ आरडीवीवी में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं और जो पढ़ रहे हैं, उनका तो कुछ लेना ही नामो निशान नहीं है। तो ये जो इंटर कॉलेज अब जो हो रहा है ये बाहर के बच्चे खेल रहे हैं, अभी जो जबलपुर के हैं वो कहाँ जाएंगे? और जबकि ये जिला लेवल का टूर्नामेंट, ये जिला स्तरीय है, अभी संभाग भी नहीं है कि हम मान सके संभाग है सर। ये जिला स्तर है और संभाग भी नहीं है जिसमें बाहर के बुला सके, और संभाग के भी बुला लें तो आप हमको नहीं है दिक्कत, आप नरसिंहपुर के ला लें, कटनी के ला लें, कि बाहर के बच्चे आगे पढ़ते हैं, कटनी के आगे पढ़ते हैं, नरसिंहपुर के आगे पढ़ते हैं, लेकिन ये तो हरियाणा के हैं, आप समझ रहे, दूसरे राज्य से आके यहाँ खेल रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो एडमिशन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें अपना स्कोप देख रहे हैं, उनका तो है ही नहीं ना। आप जबलपुर से कौन बच्चे बाहर निकाल रहे हैं? हमारे बच्चे निकलना चाहिए, वो दूसरे जा रहे हैं सर। कितने साल से अभी कर रहे थे? कितना समय हो गया सर? हमको तो 6 साल हो गया, हमको 8 साल हो गया खेलते। आज तक अवसर नहीं मिला आपको ऐसा कुछ? नहीं सर, अवसर मिलता है, लेकिन हमारे बच्चे जाने के 5 जाने के लायक है, 3 जाने के लायक है, जाता एक है, और जाता है तो ऊपर जाने के बाद वहाँ बैठा रहता है, खेलते यही है। ये गया है नेशनल तक गया है सर। आप यहाँ ये नेशनल तक गया है सर। आप नेशनल लेवल पे गए थे, उठा गया था सर। यहाँ पे जो खिलाड़ी जो खेल रहे बाहर के राज्य के आके जो खेल रहे, तो क्या ये सही है कि गलत है? ये सर गलत इसलिए है क्योंकि मतलब जो अब आप ही बताइए, 12 लड़कों की टीम जाती है नेशनल खेलने के लिए, अब वहाँ एक जगह के 10 लड़के, मतलब एक साइड में हरियाणा के अपने यहाँ आके जो खेल रहे हैं 10 लड़के हैं, तो अपन को जबलपुर से अकेले सिंगल हैं, तो अपनी क्या वैल्यू रहेगी? अपन को तो रैंक 7 में रखते ही नहीं। इसके बारे में कोई आपने कभी शिकायत वगैरह आपने की है क्या सर? पिछले साल अभी अपन ने यहीं पे जो भी पिछले बार भी मैंने लेके दिया था, शायद जब उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ सर।
क्षेत्र है उतने ही होंगे पूरे बच्चे। अब उसमें ऐसा है सर, यूटीडी में पूरे हरियाणा के उनने बुला ली, 10-15 लड़के हैं मिनिमम, 10-12 तो पूरे हरियाणा के, जबलपुर के एक भी लड़के नहीं है यूनिवर्सिटी की टीम में। अब पूरे जितने कॉलेज की टीम आई है, जितने कॉलेजों की, सब कॉलेजों की टीम में अपने जबलपुर क्षेत्र की यूनिवर्सिटी जो टीम है उसमें पूरे बाहरी कोई बच्चे ऊपर जाते हैं। ये आज के 5 साल हाँ, एक दो बच्चे ले लेते हैं वो भाई, पूरे के पूरे तो टीम के ले जा नहीं सकते, तो कोई ना कोई कॉलेज को जो टीम में सेमीफाइनल है फाइनल पहुँचती है उनसे एक बच्चे ले लेते हैं। अभी भी यही होगा, अभी आप रुकिएगा आप देखना, अभी एक एक बच्चे सब टीम को ले जाएंगे, 4 टीम को जो जो सेमीफाइनल में बाकी पूरे बच्चे उनके चले जाएंगे ऊपर जाके वहाँ बैठा। मेरा नाम फैजान है जी। ओवर गाड़ी एकत्रित होकर आया था, काफी आक्रोशित भी थे, का आरोप है कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा चल रहा है कबड्डी को लेके, और ज्ञापन भी दिया है, क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे एक्चुअली आज जबलपुर कॉरपोरेशन कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा और साथ ही साथ विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए काफ़ी छात्र छात्राएं हैं, उनके द्वारा भी एक शिकायत पत्र ज्ञापन के रूप में सौंपा गया है, और उस ज्ञापन में उनके द्वारा यहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर संचालित कुछ पाठ्यक्रम और कुछ अकेडमी को लेकर के आरोप लगाए गए हैं, और उनके द्वारा कुछ बातें उठाई गई हैं कि जो चयन होता है विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए जो चयन हो रहा है, तो उस चयन में दूसरे प्रदेशों के जो खिलाड़ी हैं उनका चयन हो रहा है, और यहाँ के जयपुर के जो खिलाड़ी उनको मौका नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ आयु को लेकर के और कुछ अन्य बातों को लेकर के भी बातें उठाई गई हैं, तो मैंने उनको ज्ञापनकर्ताओं को मैंने प्रॉमिस किया है कि हम सबसे पहले जो आरोप हैं तो उनको देखने के लिए एक जांच समिति का गठन करेंगे, और उस समिति के माध्यम से जो आरोप लगाए गए हैं तो उनको संज्ञान में लेते हुए जो है समिति हमारी कार्य करेगी और पता करेगी कि क्या सच क्या है, और उसके बाद माननीय कुलपति महोदय के द्वारा जो भी आदेशित किया जाएगा समिति के सदस्यों के माध्यम से फिर हम किसी निर्णय तक पहुँचेंगे, और जो ये शिकायतें हैं तो इनको भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे कबड्डी के जो कोच है वर्तमान में, तो फेडरेशन के द्वारा इनको बाहर निलंबित किया गया 4 साल के लिए, फिर भी आपके कैंपस में ये महाविद्यालय में हाँ, ये शिकायत भी आई है कि किसी को डोपिंग जो था उसमें 4 साल के लिए निलंबित किया गया है, किंतु ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर उनके द्वारा ही जो निलंबित व्यक्ति थे उनके द्वारा ही यहाँ पर कार्य भी किए जा रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिताएं वगैरह भी कराई जा रही हैं जो एक्चुअली नहीं करना चाहिए, तो ये बात भी हमें पता लगानी पड़ेगी कि वाकई सत्य क्या है। इसके लिए मेरा ये कहना है कि हम जांच करवाएंगे और जांच के बाद ही हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, और फिर कोई ना कोई डेफिनेटली अगर ये चीज़ें सच पाई जाती हैं तो कोई ना कोई समाधान कारक निष्कर्ष तक बिल्कुल पहुँचने का प्रयास करेंगे। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अपने फर्जी मार्कशीट लगा के और ये प्रतियोगिता वगैरह खेलने में कई वर्षों से खेलते हुए आ रहे हैं। देखिए मेरा वही कहना है कि बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, तो मुझे पता तो करवाना ही पड़ेगा कि एक्चुअली वो क्या रहा है कैंपस में, क्योंकि हमको यहाँ कोई खबर नहीं है, और अब चूंकि इतने सारे लोग यहाँ आए हैं और विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ आए हैं तो उनके जाँच करने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। ये सारे आरोप जो हैं ये लिखित रूप में हमें प्राप्त हैं, हम देखने का प्रयास करवाएंगे कि एक्चुअली सच क्या है, और फिर हम कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे ताकि ये जो शिकायतें हैं ये दूर की जा सके, और जो अनियमित गतिविधियां अगर चल रही हैं विश्वविद्यालय में तो उसके लिए माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में जो भी बन सकेगा हम पूरा प्रयास करेंगे, हम जो भी करेंगे छात्र छात्राओं के हित में करेंगे ताकि जो चयन हो वो निष्पक्ष हो, अच्छे लोग आगे आए, और हम जबलपुर के और मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए समर्पित हैं, तो हम चाहेंगे कि अच्छे लोगों को ही रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले, सही लोगों को का चयन हो और वो आगे बढ़े, यही हमारी मंशा भी है। थैंक यू। रोल आज यहाँ यूनिवर्सिटी में आप सब खिलाड़ी यहाँ आए थे, किस मुद्दों को लेकर ज्ञापन देने आप लोग आए थे? हम लोग जो ये कबड्डी में अनियमितताएं हो रही हैं फिजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, उसके विरोध में विभिन्न महाविद्यालयों के कबड्डी खिलाड़ी और हमारे जो कबड्डी पदाधिकारी और नेशनल एम्पायर हैं ये सभी कुलपति जी से मिलने आए थे, उनके संज्ञान में डालने आए थे कि जो भी फिजिकल डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं यहाँ, जैसे कबड्डी
क्लब संचालित हो रहा है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी एक शिक्षण संस्थान है, इसमें क्लब खोलना ये कहाँ तक जाएगा? अच्छा, क्लब खोल रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, कबड्डी खिला रहे हो, सिखा रहे हो, बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम एक भी नए खिलाड़ी नहीं बना रहे हो। तुम जो बने बनाए खिलाड़ी है उसको नए नए प्रलोभन दे के तोड़ के अपने यहाँ बुला रहे कि यहाँ खेलो। विगत वर्ष जो महिला टीम बनी थी विश्वविद्यालय की, उसमें 12 में से 8 खिलाड़ी हमारे जबलपुर कॉरपोरेशन के थे। एक 20 दिन का कैंप लगा विश्वविद्यालय में, 8 लड़कियों को तोड़ दिया गया कि तुम लोग एक क्लब में प्रैक्टिस करो। जब इंटर यूनिवर्सिटी हो गया तो 4 लड़की वापस आ गई और मुझे बताई कि सर, यदि हम उनकी बात उस समय नहीं मानते तो ये हमको फर्स्ट सेवन में खेलने नहीं देते, इसलिए हमने उनको हाँ में हाँ मिलाया, ख़त्म हो गया, इसलिए हम अपने ग्राउंड आ गए। ये जितने भी लोग हैं, क्लब संचालित कौन कर रहा है? विशाल बन्ने। विशाल बन्ने किसके माध्यम से कर रहा है? महेश गौड़। कोच कौन है? महेश गौड़, जिसको खुद ही कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 4 साल के लिए डोपिंग में बाहर किया था, जिसको डोप में कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बाहर किया था, वो यहाँ पर कबड्डी की शिक्षा दीक्षा दे रहा खिलाड़ी। अभी हाल ही में जानकी रमण में जो पुरुष वर्ग का इंटर कॉलेज हुआ, उसमें 7 लड़के हरियाणा के थे, 3 लड़के सिवनी के थे, 2 लड़के इंदौर के थे, यानी कि 12 खिलाड़ी पूरे जबलपुर के बाहर के। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर सिर्फ नाम मात्र, जबलपुर का एक भी खिलाड़ी नहीं, ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ, विगत 3 वर्ष से हो रहा। पिछले वर्ष कुल 11 खिलाड़ी गए थे इंटर यूनिवर्सिटी में इंदौर, उसमें 3 लड़कियों की फर्जी डॉक्यूमेंट थे तो डिस्क्वालीफाई हो गई रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। इस बार भी 12 में से, मैंने जैसा आपको बताया, सभी फर्जी लड़के हैं बाहर के, नाम मात्र का एडमिशन लेते हैं, खेलते हैं और प्लेस लगाने के चक्कर में यहाँ पर यहाँ से खेलते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे में आर्थिक नुकसान भी होता है यूनिवर्सिटी को, क्योंकि उनने 2000 में एडमिशन ले लिया, बाकी की फीस नहीं दी, परीक्षा फीस नहीं दी, ये नुकसान किसको सहना पड़ रहा है? यूनिवर्सिटी को। कुछ फर्जी दस्तावेज लगाकर ओवर एज से भी बच्चे खेले थे, ऐसा कुछ है क्या? जो सिलेक्टर हैं उन सभी खिलाड़ियों से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मूल कॉपी मंगाया गया उनसे कि आप अपने मूल दस्तावेज लेके आ। कुछ खिलाड़ियों के तो मिल गए हैं और 2 खिलाड़ी उसमें ओवरवेट में बाहर हो गए हैं, बचे 10 खिलाड़ी। 10 खिलाड़ी में एक खिलाड़ी जो कि उसकी जन्म तिथि में छेड़छाड़ की गई है, उससे भी मंगाया गया उनका जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट 10वीं 12वीं की और आधार कार्ड, और बाकी खिलाड़ियों से भी मंगाया गया है ताकि इस बात का पता चल सके कि जो 28, 29 साल के दिख रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ अपना कर रखे हैं 2005-2006, तो इसकी भी पत्ता साजी हो जाएगी। अपने पर्चे देंगे सर? मैं शानू यादव, संयोजक, मध्य प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन रेफरी बोर्ड। कौशल उप विजेता बनी हुई है। कौन सी ईयर के हो आप, किस कॉलेज के हो आप? जिलाधिकारी ज्योति जुनगारे जी, महाविद्यालय के प्राचार्य जी। यहाँ पर कितने वर्षों से आप यहाँ पे हो? आप कौन सी ईयर के हो, कौन सा कॉलेज कोर्स कर रहे हो आप? क्या कोर्स कर रहे हो आप? पूरी फर्स्ट ईयर बुला लीजिए। कब एडमिशन लिया आपने यहाँ पे? ये उप विजेता की जो सीट है, साल हुआ है सर, 6 साल हुआ है। क्या आपका नाम? अंशु। वैसे तो यूटीडी की ओर से कर्दन ध्वनि जोड़ते होना चाहिए। ये जबलपुर में जिला स्तरीय कॉम्पिटिशन चल रहा है, आप तो हरियाणा के, आपकी बोली लग रही है भाषा। फादर यहाँ पोस्टेड है आर्मी में, फादर तो यहीं पोस्टेड है। आपका एडमिशन यहाँ का ही है? आपका एडमिशन आरडीबीबी का है? आपके पापा यही पोस्टेड है? यही पोस्टेड है। ये मिले से बाकी आप लोकल कहाँ रख के रहने वाले हैं? हरियाणा में चरखी दादरी। और ये ट्रे में लेकर आए, इसको ट्रे में लेकर आए। चीज और है यहाँ पे, आप हम खड़े हैं, ये बच्चे खड़े हैं, आप लगा के देख लीजिए, 25 साल तक वैलिड होता है। ये जो बाहर से आते हैं ना सर, वो पता नहीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बना ले देते हैं, सारी चीज कर लेते हैं। सर के बाल सफेद हैं? सर के बाल सफेद हैं, बाल नहीं है सर, आप खड़े करके देख लीजिएगा, सारी चीज कर लीजिएगा, लेकिन एज उनकी 22 साल है, हमसे छोटे, ये 26 साल का आप इसके सामने खड़े कर लीजिए।
उससे बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन ये 26 साल का ये ईमानदारी से बाहर हो गया। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं है कि भाई डॉक्यूमेंट तो सही है। हम लोग छोटे हैं, गांव से आते हैं तो सब दबा दिए जाते हैं, आवाज ऊपर तक जाती नहीं है। किस कॉलेज से हैं सर? मैं SS कॉलेज से। ये कहाँ पड़ता है? श्याम सुंदर अग्रवाल सिहोरा कॉलेज।